welcome back to my channel once again, and if you are new to my channel then welcome to my channel. So today is 22nd of June and today is Saturday, and I'm going to meet my friend after 2 freaking months. Yeah, this is really long time for me. So yeah, I'm going to meet her and I have some work around her place, so I'm going to stay for a couple of days. So मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग करूँ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 10-12 डेज से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा यू नो फ्रीक्वेंट नहीं हूँ आजकल, क्योंकि आई डोंट फील लाइक यू नो फिल्मिंग करने का मन नहीं कर रहा था कुछ भी. सो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं करी थी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम तभी करूँ व्हेन आई टोटली फील दिस वर्क. सो मैंने इसलिए कुछ नहीं करा था, एंड अब फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं उसे मिलने जा रही हूँ तो मैं ब्लॉग ही कर लेती हूँ. और मैंने कैमरा उठाया, कहा कि नहीं अब कर लेते हैं कुछ, क्योंकि इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम सिंस आई शूट एनी वीडियो और व्लॉग. सो मैंने सोचा व्लॉग शूट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी जाएगा, रैंडम भी हो जाएगा, मुझे भी मजा आएंगे. इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकले हम, क्योंकि अदरवाइज बहुत ट्रैफिक मिलता है और यू नो सुबह सुबह मौसम भी अच्छा रहता है, तो इसलिए हम सुबह निकले. ऑल दो काफ़ी धूप आ गई है 7 बजे, और अब मैं उसके पास जाती हूँ एंड देन हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे. आज का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आई होप सो, क्योंकि जब पहले कह देते हैं यू नो फिर कुछ होता नहीं है करने के लिए. सो राइट नाउ आई एम स्टेइंग एट सम फूड पॉइंट, पता नहीं क्या नाम है इसका. सो मैं यहाँ पर कुछ यू नो ब्रेकफास्ट के लिए स्नैक्स लूँगी, बहुत थोड़ा हल्का फुल्का खाना है मुझे, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का. सो कुछ हल्का फुल्का खाऊंगी एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे. एंड मैं अंकिता के जाके, जो जिस फ्रेंड के मैं जा रही हूँ अंकिता के जाके आपसे बात कराती हूँ. सो लेट्स गो. बीच में मैंने फिल्म नहीं किया क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड, एंड मैं अंकिता के घर आने के बाद हम दोनों चले गए थे यू नो फ्रेंड्स का रियूनियन था अंकिता की, तो मैं उनके साथ चली गई थी. एंड उसके बाद आई वॉज सो टायर्ड कि मेरा मन नहीं करा ब्लॉग करने का, एंड बहुत धूप थी, बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी, मेरा सिर दर्द हो गया था. मैं वापस आ गई, जबकि मुझे मिनी सो जाना था, बट मैं वापस आ गई एंड राइट नाउ आई एम हैविंग मैंगो शेक. एंड उसके बाद अंकिता से मैंने अभी तक आप लोगों को मिलवाया नहीं, अभी वो आएगी, अभी वो कहीं गई है. एंड मे बी मैं ऐसी साउंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी सो के उठी हूँ एंड आई वॉज सो टायर्ड. मेरा अभी भी थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा है, एंड आज का दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव था, लेकिन वीडियो के पर्पज़ से नहीं था. मतलब हम मिले, हमने बहुत मस्ती करी, आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम पिक्चर्स ऑल्सो, एंड हमने बहुत मस्ती करी, लेकिन मेरा वीडियो शूट करना मैं भूल ही गई, हमने इतना इन्जॉय किया एंड उसके बाद इतनी गर्मी हो गई थी, हेडेक हो गया था कि कुछ मन नहीं करा. सो ये आई एम गोइंग टू सी यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी सम पिक्चर्स ऑफ दैट मीट एंड ग्रीट. सो कल मैं इसके पहुंच गई थी, उसके बाद हम गए थे इसके फ्रेंड्स के रीयूनियन पे, इसके कुछ फ्रेंड्स मिले थे जहाँ मैं गई थी, आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया.
आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही टुकड़ों में क्या और वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने इसे इतना कम बोलता हुआ देखा है या क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी मैं क्या बोलती सो या लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया उन सब लोगों से मिलके एंड उसके बाद हम आए मैं उसकी फ़ोटोज़ डाल दूँगी इधर उधर आप देख लीजिएगा बड़े मज़े आए फिर घर आ गए थे मैं बहुत थक गई थी मेरे सिर दर्द हो गया था और अब तक हो रहा है और महारानी सो के सुबह 10 बजे उठी उसके बाद मॉर्निंग में लेट उठी मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया एंड फिर हम गए सरोजनी ये मत बताना कि मैं गई फिर आई सुबह 8:30 बजे गई फिर 1 बजे आई मैं अपनी हेक्टिक जिंदगी हाँ ये अपनी जॉब पे गई क्योंकि हम तो बेरोजगार हैं ये अपनी जॉब पे गई फिर ये वहाँ से आई एंड उसके बाद मैंने इनके लिए खाना बनाया फिर उसके बाद हम खिचड़ी फिर हम सरोजनी नगर गए और सरोजनी नगर में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की एंड अब आप देखो थोड़े से सरोजनी नगर क्लिप मैंने आपको बताती हूँ आगे कहाँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ये देखा इसके अंदर जैसे चमकीले ऐसा था जैसे आप कहीं जाना होना रात में भी चमके गए ये भी अच्छी लग रही है Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. हमने लिया बहुत कुछ और हम दोनों निकले थे नो मेकअप फेस से क्योंकि सरोजनी जा रहे हैं तो मेकअप करने का कोई सेंस ही नहीं है और हमने लिया है ये बड़ा बैग भर के और बैग भर के हमने सामान लिया है जितने पैसे थे सारी दौलत उड़ा दी गई है ये है कितने रुपये उड़ाए बस अब ये नहीं बताएंगे हॉल वीडियो डालूंगी मैं हॉल वीडियो में बताऊंगी सरोजनी हॉल वीडियो और सबसे एपिक थिंग मेरे इतने महंगे फुटवेयर मिंत्रा के ब्रांड नेम पता नहीं क्या था इतने महंगे ब्रांडेड फुटवेयर टूट गए और मुझे सरोजनी से खरीदने पड़े दूसरे एंड ये फुटवेयर मैंने खरीदे हैं और 200 रुपये के थे ये और हॉल वीडियो में आप डिटेल्स में सारे सामान देखेंगे और फिर मैंने ये पहने और पता नहीं यार कैसे भी फुटवेयर खरीद लो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो एंड उसके बाद हम बैठे बिग चिल में और उसके बिग चिल ने कहाँ बैठे थे सॉरी मैं भूल गई यार बर्गर सिंह में बैठे और हमने बर्गर खाया बर्गर क्लब देर आर थ्री ना बर्गर किंग बर्गर सिंह बर्गर क्लब पर हम बर्गर क्लब में बैठे थे और हमने वहाँ पर एक सड़ी हुई कॉफ़ी पी और जबकि मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ द बर्गर वाज गुड इन्होंने पी थी बर्गर मैंने खाया क्योंकि मैम बर्गर नहीं खाती है और पीछे है डस्टबिन कूड़ा ना फैलाए और उसके बाद हमने क्या करा बस फिर थोड़ी सी बात करी हमारे दुनिया के सोशल इश्यूज पे क्योंकि हम दोनों के ओपिनियन पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है उसके बाद इंडिपेंडेंट मैन वुमेन टू इंडिपेंडेंट वुमेन ये व्लॉग अनफिल्टर्ड अनकट है सब आएगा और उसके बाद Thank you.
नहीं भगाया नहीं मैंने, हम आ गए चले आगे। फिर उसके बाद हम पार्क में बैठे हैं, अच्छा व्यू है यहाँ पर, वहाँ पर फाउंटेन भी है एंड हम दोनों यहाँ बैठे हैं। मोहतरमा अपना फ़ोन चेक कर रही हैं और मौसम काफ़ी सही है, बहुत गर्मी थी लेकिन इस टाइम हवा चल रही है और यू नो धूप भी जाती जा रही है तो अच्छा लग रहा है। एंड ये ब्लॉग बहुत ही टुकड़ों में बना है, मैं बनाना बहुत अच्छी तरीके से जाती थी बट पता नहीं क्यों ऐसा बन गया, बट आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। सो या अब इसके बाद देखिए आप पार्क के कुछ नज़ारे एंड देन फिर हम जो भी करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ये जोमेटो से रात को 12 बजे इन्होंने मंगाया, डेढ़ बज रहे हैं, ऑर्डर पता नहीं कितने बजे के लिए तरस रही हैं, ठंडे हो गए हैं, फ्राइज बेचारा पता नहीं कब से घूम रहा था। रात के बज रहे हैं एक, ऑर्डर किए फ्रेंच फ्राइज और बेचारा पता नहीं कब से घूम रहा होगा कि ठंडे हो गए और ये मैम उस पर चिल्ला गए, सो रूड। जोमेटो वालों ईयरफोन लगा रखी महारानी को, इनको बड़ा पता नहीं चल रहा है। आप हमारे ऐसे ही इतनी खूबसूरत शक्लें इसलिए हो रही है क्योंकि रात हो रही है, इनकी हम थोड़ी सी मसाज करी हेड मसाज एंड हम सो जाएंगे फाइनली। और क्या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, पता नहीं क्या कह रही है जस्ट इग्नोर हर। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, दिस इज़ नॉट टुडेज व्लॉग, मतलब दो दिन के व्लॉग का ये एंड है फाइनली एंड हम सो जाएंगे, कल आपसे मिलेंगे एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। मतलब फ्रेंच फ्राइज खाओ दोस्तों, लो सूखी हुई। ओके बाय, गुड नाइट, बाय टू मोरो, बाय। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।